जैसा कि आप सब लोग वाकिफ हैं, 29 मई को रात के करीबन 9:15 बजे अनंतनाग टाउन में जंगलात मंडी वाली साइड में एक टेररिस्ट अटैक जो है वो पेश आया था, और उसमें एक उधमपुर के लोकल दीपू कुमार उर्फ दीपू, उनका जो है इस टेररिस्ट एक्ट में उनका कत्ल किया गया था। और इसके बाद ही, हालांकि वो बिल्कुल बरलबे हॉस्पिटल था वो इंसिडेंट साइट, और उनको उसके बाद जब वहाँ शिफ्ट किया गया, बट अनफॉर्चुनेटली वो ब्रॉड डेड करार दिए गए। उसके बाद उसके साथ ही हमारी जो सर्च ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन और जो तफ्तीश वगैरह हुई, और इसमें हमारे पास जो टेक्निकल लीड्स आई सामने, और उसके साथ साथ जो हमारी बाकी इन्वेस्टिगेशन हुई, उस इन्वेस्टिगेशन की बेसिस पे जो है हमें कुछ क्लूज़ मिले, और उस क्लूज़ के चलते हुए हम आगे बढ़े। इसी दौरान हमने कुछ सस्पेक्ट्स पे ज़ीरो इन किया, और काफ़ी सारे और सस्पेक्ट्स को भी हमने उठाया, और उनसे हमने जो है इंटरव्यूज़ किए, इंटरोगेशन की। और इसी दौरान में, इसी असना में जो है हमारे पास दो इंडिविजुअल्स हैं, दो पर्सन्स हैं जो कि अनंतनाग टाउन के ही रहने वाले हैं, देवा कॉलोनी के। एक का नाम सहरान बशीर नदाफ है और दूसरे का नाम उबैद नज़ीर लाइगरू है। ये दोनों लड़के मिसिंग हो गए। हमारी इन्वेस्टिगेशन भी इन्हीं इंडिविजुअल्स की तरफ पॉइंट कर रही थी, और इनके लिए फिर एक लंबा चौड़ा जो है हमें एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ा। जैसे जैसे हमारे पास और टेक्निकल क्लूज़ और बाकी ह्यूमन इंट की जो क्लूज़ हमारे सामने आए, उस सब को साथ में लेते हुए अल्टीमेटली वी वर एबल टू अरेस्ट द अक्यूज्ड, एंड उसके बाद जो है पूरी कॉन्स्पिरेसी उसका खुलासा किया गया। इसमें काफ़ी टाइम हमें जो है वो लग गया प्रॉपरली पूरी चेन को कवर करने में, कि किसने वेपन सप्लाई किया था और किसने रेकी की थी, और कैसे उस पूरे वाक़े को अंजाम दिया गया था, और कैसे उसमें प्रॉपर प्लानिंग के तहत, प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी के तहत जो है डायरेक्शंस पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर खालिद कामरान, जो कि जैश मोहम्मद या उसका फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स करके एक एलिजिट ग्रुप है, उसके हैंडलर ने कैसे ये डायरेक्शंस दी, और वो डायरेक्शंस कैसे बामल लाई गई। और ये पूरी कॉन्स्पिरेसी का अब खुलासा हो गया है, और जैसा कि आपको जो हमारा इसमें सिट है